बरेली में मंदिर की जमीन के विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों में मारपीट। मारपीट का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। किला थाना क्षेत्र की घटना। बरेली में मंदिर की जमीन के विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद किला थाना में मुकदमा दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मारपीट के ये वायरल वीडियो किला थाना क्षेत्र का है, जहां मंदिर की जमीन को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि जिस जगह पर मंदिर बना हुआ है वह जगह राजा साहब की है। राजा साहब ने ही मंदिर बनवाया था, उसमें पूजा पाठ के लिए पुजारी को रखा था। इस दौरान राजा साहब व मंदिर के पुजारी की मौत हो गई थी, जिससे मंदिर की देखभाल पुजारी का परिवार काफी सालों से पूजा पाठ करता है। आरोप है कि पुजारी का परिवार अब मंदिर की खाली पड़ी जगह पर कब्जा कर रहा है, जिसको लेकर मोहल्ले के लोगों ने ही पुजारी के परिवार के साथ मारपीट की, जिसके बाद घटना की वीडियो सामने आते ही पुलिस ने थाने में मारपीट करने वाले चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा करा है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीए प्रथम अशोक कुमार ने बताया। जनपद बरेली के थाना किला क्षेत्र में किला छावनी में एक मंदिर के पुजारी हैं और वहाँ पर लोग हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं और मंदिर की ज़मीन को लेकर के आज दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें लोगों में मारपीट हुई थी। इस संबंध में थाना किला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुजारी उस मंदिर की भूमि को अपना बता रहे थे, जबकि राजस्व अभिलेखों में वो पुजारी के नाम ज़मीन नहीं है, वो एक राजा हुआ करते थे, राजा साहब के नाम ज़मीन है वहाँ पर। उस ज़मीन पर पुजारी अपना दावा कर रहे थे, ऐसा नहीं है। वो सभी लोगों के लिए पूजा स्थल है, सभी लोग वहाँ पूजा अर्चना करेंगे और पूजा स्थल की ज़मीन को इनकुच कर रहे थे। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, इसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। जिन लोगों ने मारपीट की थी उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है।